नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। आम आदमी पार्टी ने आज एसपी कार्यालय कुल्लू के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। ये धरना विधानसभा धर्मशाला में खालिस्तान के पोस्टर लगाने के विरोध में दिया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता अरुण शर्मा ने कहा कि जिस सरकार में विधानसभा भी सुरक्षित ना हो, वो सरकार जो है किस काम की, ऐसी सरकार को रिजाइन करना चाहिए। आप स्वयं देखिए क्या कहा आम आदमी पार्टी के नेता अरुण शर्मा ने। हम आज आम आदमी के जितने भी वर्कर्स हैं कुल्लू के या कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के, हम आज एक ही मकसद के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि जो हिमाचल की सरकार है वो एक अपने विधानसभा की सुरक्षा नहीं कर सकती है। आज कुछ दो चार दिन पहले की बात है, इनकी विधानसभा पे खालिस्तान के कुछ लोग जो गैर राजनीतिक तत्व हैं, उन्होंने आके इनके ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद और उसके झंडे लगा दिए। तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप क्या अपनी विधानसभा के की प्रोटेक्शन देने के लिए भी सक्षम नहीं है क्या? अगर नहीं है तो आप इसका मतलब हमारे प्रदेश की जनता के किसी भी जो हमारा सिटीजन्स है उनमें से किसी की भी प्रोटेक्शन करने के लिए आप सक्षम नहीं है। तो हमारा ये आज का एजिटेशन है कि आप रिज़ाइन करिए, और अगर आपसे नहीं सुरक्षा दी जा सकती है नागरिक को और या अपने विधानसभा को, तो आपको कोई हक नहीं है एक एसटीएम ऑफिस में बैठने का। ये हमने अपने लीडर अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरित होके लिया है, और दूसरा एक कांग्रेस के अंदर घुटन का माहौल पैदा हो गया था। चार चार पाँच पाँच लीडर्स के नीचे कांग्रेस को धकेल दिया गया है, जो अपने अपने ग्रुप बनाकर अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो पर्सनल राजनीति की एक गेम खेल रहे हैं, जिससे प्रदेश का हित नहीं हो सकता। हमने आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन करी है कि हम जानते हैं कि ये जिस हिसाब से काम इन्होंने दिल्ली में किया है, प्रोग्रेसिव काम किया है, उसी हिसाब से हम उम्मीद के करते हैं, हम आपको अश्योर करते हैं कि हिमाचल में भी वैसा होगा सरकार ने। ये तो आप भी अब जान सकते हो कि ये सारा का सारा राजनीतिक छल है। आप समझ सकते हो कि आपकी विधानसभा पे झंडे लग जाए और उनकी फ़ोटो तक ना आए, इसका मतलब प्रशासन उसमें लिप्त है। अभी यहाँ पे भी एक सीनियर ऑफिसर ने ये बोला कि जो हमसे बात करी उसने ऐसे बात करी जैसे कि वो एक बीजेपी का प्रवक्ता बात कर रहा हो, कि हम जानते हैं कि आप वाले आपको संरक्षण दे रहे हैं बीजेपी इसको खालिस्तान को। तो मैं बोलता अगर उनके पास में एक सबूत है तो हमको बताए, हमें अरेस्ट करें। अगर ये जानते हैं कि आरक्षण जो है खालिस्तान को आम आदमी पार्टी दे रही है, तो इनके पास में कोई ना कोई तो उसके तथ्य होंगे, कोई सबूत होंगे, उनको अरेस्ट करें। आज तक क्यों नहीं किसी झंडे वाले को यहाँ पकड़ा गया? कई सदियों से यहाँ पे होली के बाद में और सितंबर के महीने में सरदार लोग अपनी तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं। ये सब षड्यंत्र है, आप समझिए इसको, ये एक बीजेपी का षड्यंत्र है जो हारने से डर रही है।